नमन। जो लोग परमात्मा के भरोसे पर जीवन बिताते हैं उनके लिए जीवन बड़ा आसान हो जाता है, चिंताओं से मुक्ति होना बड़ा आसान हो जाता है। अगर एक भरोसा है, एक विश्वास है। एक आम इंसान जो है वो चिंता किस लिए करता है, क्योंकि वो खुद को सुप्रीम से अलग समझता है, परमात्मा से अलग समझता है। और परमात्मा से प्रार्थना भी किस लिए करता है, इसलिए करता है कि वो अपनी कोई बात उससे मनवाना चाहता है। पता नहीं परमात्मा आपके बारे में क्या सोच ले, कुछ अच्छा सोचे, बुरा सोचे, वो करे ना करे जो आप चाहते हैं। अब ये बड़ी मजे की बात है, परमात्मा को से आप उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा आपके फेवर में सोचे, वो सोचे जो आप उचित, जो आपके लिए अच्छा हो। परमात्मा को ऐसा सोचना ही चाहिए। हम ऐसा कई बार मन में विचार करते हैं। सारे तनाव किस बात का है जीवन में, जरा इस पर विचार करें एक बार। किस बात का तनाव है? मेरा सोचा हुआ, मेरी प्लानिंग के हिसाब से चीजें होंगी अथवा नहीं होंगी। लेकिन जैसा भगवान श्री कृष्ण फरमा रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका अर्थ अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि इसका अर्थ सिंपली से यह है कि मेरा कर्म में अधिकार है, जो मैं कर सकता हूं उस पर मेरा पूरा अधिकार है। लेकिन जो मेरे साथ होगा, सुबह से शाम तक जो मेरे साथ घटित होता है, जो दूसरे मेरे साथ करते हैं, उस पर मेरा एक लिमिटेड अधिकार है। तो उसको स्वीकार करना। अब जीवन में कोई घटना हो रही है, हर चीज आपके हिसाब से नहीं चलती ना। आपका बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आए, जितना आप कर सकते थे आपने किया। बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, बच्चे की जॉब नहीं लग पा रही है, तो आप एक लिमिट से ज्यादा क्या कर सकते हैं? आपने जो करना था, आप अपने एक्शन पे जो कर सकते हैं वो करें। लेकिन हर चीज में, हर जगह टेंशन लेके रखना, ये बहुत बहुत आदत आदतन ये बहुत गलत है। एक बार महाभारत काल में आप सभी ने को याद होगा, जब दुर्योधन ने भीष्म को कहा कि आप हैं तो हमारी तरफ, लेकिन आपका पूरा जो ध्यान है वो पांडवों की तरफ है, तो आप ना, ये बिल्कुल गलत है, आप हमारा साथ पूरा नहीं दे रहे हैं, तो ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए बिल्कुल गलत है। उन्होंने इतना उकसाया, दुर्योधन ने इतना उकसाया कि भीष्म को प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। भीष्म ने कहा कि कल शाम तक मैं अर्जुन का काम तमाम कर दूंगा, या तो अर्जुन नहीं या मैं नहीं, और मेरे को तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, जाहिर सी बात है, तो मेरे ना होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो या तो अर्जुन नहीं या मैं नहीं, इनमें से कुछ हो, एक होगा। अब इस बात को सुनकर बड़े बड़ों की हवा निकल जानी चाहिए, हालत कितनी खराब हो जानी चाहिए, टेंशन हो जानी चाहिए। भाई ये तो पांडवों की तो हालत खराब हो जानी चाहिए, और हुई, जिन लोगों की होनी थी उनकी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने भी ये बात सुनी कि ऐसे ऐसे करके भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है कि शाम तक अर्जुन का खेल खत्म कर देगा वो। तो जरूर सब लोग टेंशन में आ गए, सब लोग तनाव में आ गए। भगवान कृष्ण जो है ये सोच रहे हैं कि भाई ये अर्जुन है कहाँ, उसको जाके जरा बताते हैं कि क्या हुआ है। वो तो बड़ी टेंशन में होगा, बड़ा परेशान होगा, बड़ा दुखी होगा। तो गए, ढूंढा अर्जुन, अर्जुन कहाँ है, अर्जुन कहाँ है। पता लगा अर्जुन तो अपने कैंप में सो रहा है। अर्जुन को जाके जगाया, उसको कहा कि तुम्हें पता है कि आज कैसे भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा ली है कि कल शाम तक जो है ना तुम्हारा खेल खत्म है, और ऐसे करके उन्होंने प्रतिज्ञा ली है। तो बड़े तनाव में हो गए। कैसा तनाव? हाँ, मैं आराम से सोया पड़ा हूँ, सारा दिन खेल
लड़ते लड़ते थक गया था, तो अब शरीर को कल भी ये खेल करना है, तो मैं तो बड़ी शांति से सोया पड़ा हूँ, तो आपने आके बताया, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा तुझे परेशानी है क्यों नहीं, विचार करने की बात है कि तुझे परेशानी है क्यों नहीं। तो उसने कहा, अर्जुन ने हाथ जोड़कर विनती करी कि हे कृपा सिंधु, जिस अर्जुन की चिंता में स्वयं आप लगे हुए हैं, जिस अर्जुन की चिंता में स्वयं आप लगे हुए हैं, पूरा ब्रह्मांड लगा हुआ है, तो उस अर्जुन को अपनी चिंता फिर दोबारा से करने की क्या जरूरत है। आप कर रहे हो ना, आप इतना तनाव में लग रहे हो, आपका चेहरा ऐसा बता रहा है कि आपको इतनी इस बात की इतनी चिंता है, जब स्वयं आप मेरी फिक्र कर रहे हो तो मुझे इस बात की इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है। मैं इसलिए आराम से सोया पड़ा हूं, आप कोई ना कोई हल निकालोगे, मुझे पता है, बस ये भरोसा ही मुझे इतना निश्चिंत बना रहा है। तो बात समझने की यही है कि पलटू भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, वो सोता है बड़े प्यार से, आनंद लेता है, उसको पता है कि उसके परमात्मा जो है, उसके भगवान उसके लिए सर्वोच्च जो सोच सकते हैं वो सोच रहे हैं। क्या ऐसा है जो वो नहीं सोच सकते, क्या ऐसा है वो जो नहीं कर सकते। इस भरोसे पर इंसान बड़ी शांति से जीवन निकाल सकता है, अगर कोई जीना चाहे तो बड़ी शांति से जी सकता है। परमात्मा है फिक्र करने को, सारा अस्तित्व फिक्र कर ही रहा है, आप कोई अलग फिक्र करेंगे क्या। फिर भी हमारा तो काम है टेंशन लेना, हम तो लेंगे, आप कौन होते हैं हमारी इसमें बाधा डालने वाले, हम तो आपको टेंशन लेके दिखाएंगे। सब कुछ होने के बावजूद भी हम तनावग्रस्त होते हैं, ये जानते हैं। हमारी चिंता से आज तक कौन से पहाड़ टूट पड़े हैं, नहीं टूटे, फिर भी चिंता करना हमारा काम है, हम तो करेंगे, आदत है, तुमने क्या समझ रखा है हमें, हम तो आदत से मजबूर हैं, हम तो चिंता जरूर करेंगे और खूब तनाव करेंगे, सारे तर्क सोचेंगे ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, बस ये हमारा काम है और इसलिए हम चिंता करते रहते हैं। अब ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप कितनी चिंता करते हैं और क्यों करते हैं। कहने वाले तो सीधा सीधा कहते हैं, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। कहते ना खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, मेरे गुरुदेव को रहती मेरी हर बात की चिंता। अब जिसे चिंता है, अगर सच में आपको उस पर भरोसा है कि उसे चिंता है, तो फिर इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं। एक चिड़िया जिसे कुछ भी इसके हुनर नहीं है, कोई भी हुनर नहीं है, कौन सा उसको कोई प्लम्बिंग का काम आता है, या वो लोहार है, या वो डॉक्टरी जानती है, या वो खेती करना जानती है, उसको कुछ भी नहीं आता, उसको कुछ भी नहीं आता, फिर भी वो शाम तक अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती है ना, कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाता है। कहते हैं कि मतलब चिड़िया तो चलो फिर भी कुछ कर सकती है, और मुर्दा क्या कर सकता है, मरा हुआ इंसान क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसके लिए भी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। एक मरे हुए इंसान को क्या चाहिए भाई, कोई कपड़ा लकड़ी आग दे और उसका निपटारा हो, तो वो कोई कहने थोड़ी जाता है भाई मेरे लिए भी कुछ सोचो, मैं भी हूं, मेरा भी निपटारा करो यहां से, वो कहने नहीं जाता, फिर भी लोग सोचते हैं ना उसके लिए। मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे, जिसके हाथ पैर सलामत हैं, जिसका शरीर सलामत है, जिसकी आंखें सलामत है, जो कर सकता है, फिर वो अगर चिंता करे, फिर ताकि बड़े अभाग, उसकी बड़े अभागा है वो जो इतनी चिंता ले रहा है। भरोसा, ये भरोसा आपको चिंतित नहीं होने देता, ये भरोसा आपको शांत कर देता है, ये भरोसा आपको अंदर ही अंदर विश्वास दिलाता है कि जो होगा परम कल्याणकारी होगा, और जिसे आ गया है ये भरोसा वो सच में निश्चिंत रहते होंगे।
अब ये रहते हैं कि नहीं रहते ये बाप पर डिपेंड करता है, रहते हैं कि नहीं रहते है? हाँ जी, कितने लोग रहते हैं जरा निश्चिंत, निश्चिंत रहते हैं? जिन्हें भरोसा है परमात्मा पर, हैविंग गुड फेथ ऑन द सुप्रीम, दे आर ऑलवेज ऑलवेज नो वरीज, बिना तनाव के जीवन जीते हैं, आनंद में जीते हैं। तनाव किस बात का है? तनाव चीजों को अपने हिसाब से चलाने का है, तनाव चीजों को अपने हिसाब से चलाने का है। किसी ने कहा है कि मुझे तैरने दे या फिर बहना सिखा दे, अपनी रजा में तो राजी रहना सिखा दे। मुझे या तो तैरने दे या फिर बहना सिखा दे, अपनी रजा में तो राजी रहना सिखा दे। बस मुझे ये तौफीक दे, मुझे इतनी समझ दे कि मैं या तो तैर सकूं, अगर मेरे अंदर हिम्मत है, मैं मुझे इस पार से उस पार जाना है तो मेरे 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 बाजुओं में हिम्मत दे कि मैं तैर कर पार हो जाऊं, या तो मुझे तैरने दे या फिर बहना सिखा दे। अब बहने के लिए क्या करना पड़ता है? बहने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। अब ये आपकी मर्जी है, जहां तैर सकते हैं वहां तैरें, जहां बह सकते हैं वहां बहें। हर चीज में आप अपनी नहीं चला सकते। तैर चल सकने का मतलब जो आपके फर्ज हैं, जो आपके कर्म है, जो आपको करना है, उसको पूरी शिद्दत से, पूरे ध्यान से, पूरे होश से करें, जो आपके बस में है। जो बस में नहीं है उनको स्वीकार करें कि ये ऐसे ही है। अब जीवन में कुछ ऐसी चीजें घटित हो रखी हैं, कोई बीमारी लगी है जिसे आप ठीक नहीं कर सकते। आप इलाज करवा सकते हैं, आप जगह जगह जा सकते हैं, लेकिन चीजें ठीक नहीं होती। लोग लड़ते रहते हैं सारा जीवन, हाय बीमारी क्यों है, हाय बीमारी क्यों है, हाय बीमारी क्यों है। यू कैन नॉट डू एवरीथिंग अबाउट दैट। आप कुछ नहीं, एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते। तो एक्सेप्ट इट, जो है उसे स्वीकार करें और जो है उसी में कोई भलाई ढूंढें। संसार में बड़े से बड़े ऐसे लोग हो गए हैं जिन्होंने जीवन में अपनी कमियों को भी स्वीकार किया। उनके शरीर आपने पैरालंपिक्स में देखा ना, पैरालंपिक्स में कैसे कैसे लोग जिनके शरीर में कितनी ज्यादा कमियां थी, उसके बावजूद भी वो देश का सम्मान की उन्होंने लौटाया, देश का नाम रोशन किया, इतनी मेहनत करी कि शरीर की उस लिमिटेशन से ऊपर उठे। जो वो कर सकते थे वो सब उन्होंने किया। जीवन की जो कमियां थी उसके बावजूद भी, जैसा इम्परफेक्ट उनकी चीजें मिली थी, उसके बावजूद भी उन्होंने ऊंचाइयां हासिल करी। उन्होंने बड़ी मेहनत करी, बड़ी मेहनत करी। आपने अवनी की कभी कहानी सुनी हो? वो लड़की जिस जो हमारे लिए दो गोल्ड लेकर आई है, मतलब एक गोल्ड और एक जो दूसरा मेडल लेकर आई है, कितनी जबरदस्त उसकी स्टोरी है, कितनी मेहनत, कितनी हार्डवर्क, जो है ना रीढ़ की हड्डी बिल्कुल गई, और उसके बावजूद भी उस लड़की ने कभी हिम्मत नहीं हारी और देश के लिए इतना बड़ा सम्मान लिया। कहने का अर्थ क्या, जो 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 कमी थी, जो जीवन में जो भी था उसे स्वीकार किया, जो जो कर सकते थे वो सब किया, अपने आप को पूरा झोंक दिया उसके अंदर। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट जो जीवन में हुआ उसे स्वीकार किया। और इसी तरह से जब ये पता है कि जीवन में जो होगा वो आपके कल्याण के लिए ही होगा, फिर तनाव किस बात का, फिर तनाव किस बात का। थोड़ी देर के लिए मन है, थोड़ा परेशान होता है कि कुछ नया होता है, कुछ डिफरेंट होता है शरीर के साथ, थोड़ी देर के लिए तनाव होता है, लेकिन फिर हम स्वीकार कर लेते हैं चीजों को। ये स्वीकृति ही समर्पण है। तो तनिक भी विरोध ना हो जीवन में, जो हो रहा है उसमें स्वीकार भाव। अगर आप कर सकते हो तो जरूर करो, और नहीं कर सकते तो चीजों को स्वीकार कर लो। कर सकते हो तो मेहनत जरूर करो, कोई इसमें शक नहीं है। जीवन को उन्नत उठाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। आखिर इंसान को परमात्मा ने बुद्धि दी है, ताकत दी है, मन दिया है, शरीर दिया है, साधन दिए हैं, उसको अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। और तनाव इसी बात का है कि अपनी पूरी कोशिश वो करे। अब यही कोशिश अगर आत्मा को जानने की हो तो परमात्मा ने सारी सुविधाएं दी हैं, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाए, उसके लिए भी एफर्ट डाले जाए, दिन रात अपनी आत्मा को जानने का प्रयास किया जाए, होश में रहा जाए,
पल पल जागने की कोशिश रही जाए कि मैं जो कर सकता हूं वो मैं करूं। ऐसे सडनली परमात्मा को याद नहीं आ जाएगा कि भाई इस बंदे को या इस बंदी को आज जो है ना आत्म ज्ञान दे देना है, चलो आज इसको दे डालते हैं। ऐसे सडनली याद नहीं आएगा उसको, अचानक कुछ नहीं होगा। घटना के लिए आपको हार्डवर्क करना है, मेहनत करनी है। उस मेहनत के बल पर ही चीजें जीवन में घटित होती हैं। परमात्मा ने ये तरीका बनाया है अपने अपने गोल्स को अचीव करने का, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का। करो और भरपूर ढंग से करो, जो आप कर सकते हो जरूर करो, जरूर करो। लेकिन जहां स्वीकार भाव आए, वहां पर जहां पर लगे जो जीवन में घटित हुआ है उसके प्रति फिर निश्चिंत हो जाओ, या घटित होगा ये याद रखते हुए कि जो होगा कल्याणकारी होगा, तो आपके मन से चिंताएं खत्म हो जाती हैं। जो होगा कल्याणकारी होगा, ये भरोसा आ चुका है, अपने अंदर कि जीवन में जो होगा कल्याणकारी होगा। अगर ना समझ में आए तो पुरानी अपनी हिस्ट्री को फिर टटोल कर देख लेना, जब हुआ था तो बुरा लगता था, चाहे बुरे से बुरा भी क्यों नहीं हुआ हो, कभी बुरे से बुरी घटना भी जब हुई थी तब सच में बुरी लगती थी, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला। ये बात सत्य है, हाँ या ना? जीवन के अंदर हरेक के पास ऐसे उदाहरण जरूर होंगे जो घटित हुए तो बहुत 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 बुरा लगा, लेकिन बाद में सब अच्छा हो गया। किसी का मिलना भी उत्तम था, किसी का बिछड़ना भी उत्तम था। स्वीकार कर ले, लड़े नहीं इस बात से, क्यों चला गया है, क्यों चला गया। कल एक किसी लेडी की बात हो रही थी तो पति के बारे में इंस्पायर हो गए होंगे, अरे मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो चला गया, अरे मैं तो भाई क्यों मर गई थी, क्यों मर गई थी कोई पूछने वाला हो आपसे, मैं तो उसी के साथ ही जीवन था बस, अब कोई जीवन थोड़ी है, अब तो मैं लाश ढो रही हूं अपनी, आपकी मर्जी। भाई आपने क्यों अपने जीवन को इतना बोझिल बना दिया, क्या परमात्मा आपको आपको संसार में भेजकर भूल गए हैं क्या? सत समर्थ ते राख मन, उस समर्थ को भूल गए हो क्या? बस यही तो बात है ना, जिसको वो भरोसा है, तभी तो अर्जुन का नाम इतना फेमस है। अर्जुन को भरोसा है, पड़ा है आराम से शांति से पड़ा है, उसे यह भरोसा है अपने बाजू बल पर, उसको पता है कि वो कर सकता है, वो कर सकता है, जो वो कर सकता है वो करेगा, और जो नहीं कर सकता वो ये करेंगे, और कौन करेगा। ये भरोसा कितनी बड़ी बात है, उसको भरोसा है ना, इस भरोसे पर काम होते हैं। और हमारे साथ हैं गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। अच्छा ये भी पक्का पता है कि मरने के बाद भी गुरु महाराज जी टेक केयर करेंगे, फिर टेंशन क्या है, फिर टेंशन क्या है, फिर इतना भी तनाव नहीं होगा कि मर गए तो सो व्हाट। अरे मर गए तो फिर आगे भी गुरु खड़े हैं मेरे, यहां भी हैं और वहां भी हैं, इससे ज्यादा आप क्या सोच सकते हो। एक व्यक्ति को एक बार हमारे एक गुरुमुख थे, उनको ना बड़ा उनके एक गुरुमुख थे हमारे, उनके उन्होंने कुछ टाइम पहले अपने पिताजी को नामदान दिलवाया, अपने फादर को नामदान दिलवाया, दीक्षा दिलवाई, गुरु दीक्षा दिलवाई। तो गुरु दीक्षा दिलवाने के कुछ दो तीन महीने के अंदर अंदर ही उनके पिताजी एक्सपायर हो गए। उनके मन को बड़ा धक्का लगा, पंजाब के रहने वाले थे तो इन्होंने उनके मन को बड़ा धक्का लगा कि भाई अभी गुरु दीक्षा दिलवाई, अभी तो कुछ दिन ही हुए थे, मतलब कुछ महीने हुए, एक दो तीन महीने हुए थे और ये चले गए, इनके कल्याण हुआ कि नहीं हुआ, मतलब इनकी आत्मा परमात्मा में लीन हुई नहीं हुई, गति हुई कि नहीं हुई। टेंशन तो होती है, एक बच्चे को थोड़ा तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन अब बात वही है कि कितनी। अब गुरुदेव हर तरीके से रक्षा करते हैं, अब इस मन में टेंशन हुई तो इसने क्या किया, इसने कहा कि मैं ये बड़ा चिंतित रहने लगा, तो इसने दो तीन जगह पूछा भाई क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, लोगों से बात करता भाई मेरे पिताजी भाई गत जाने के बाद गुरुमय ने संभाल करी होगी ना, क्योंकि उनको नामदान लिए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था। तो किसी ने उनको अपने आसपास के आश्रम में गया और उन्होंने कहा कि देख ऐसा है, तेरा मन अभी बहुत विचलित है, तू ऐसा कर हमारे गुरु दरबार में अपने श्री आनंदपुर या प्रयागधाम चला जा, जहां पर गुरुदेव प्रेजेंट है वहां जाके सेवा कर।
वहां तृणवन कुछ टाइम के लिए गुरुदेव के साथ रहेगा तो शांत हो जाएगा। तो उस समय गुरुदेव श्री प्रयाग धाम में मौजूद थे। प्रयाग धाम मतलब पुणे के पास एक जगह है, तो वहां पर आश्रम है, तो वहां पर मौजूद थे। तो वो गया, वहां पर गया, और वहां पर जब लंबे समय के लिए जाना हो तो कोई ना कोई सेवा उसकी लगा दी गई। गुरुदेव के दर्शन होते, दिन में दर्शन होते, सारा दिन आरती पूजा होती, सेवा होती, खूब सेवा थी उनकी। सेवा एक महात्मा जी के यहाँ लगा दी गई, दिन में कहीं सेवा करता, रात को भी काफी टाइम तक सेवा करता। तो एक महात्मा जी के यहाँ लगा दी गई, महात्मा जी गुरुदेव की सेवा में होते थे तो काफी लेट आते, तो इनका इनके लिए इसकी सेवा ये होती थी कि उनके लिए पानी वानी का इंतजाम करना, खाना वाना गर्म करके देना, क्योंकि रात के एक एक बजे भी कभी कभी आना पड़ता था, इतनी मतलब उनकी सेवा होती थी, तो इनका यही काम था। तो एक बार उस समय ना रात को दर्शन खुलते थे, मतलब रात का मतलब लगभग 8:30-9 बजे दर्शन खुलते, तो 10-10:30 बजे तक दर्शन खुले रहते। तो ये लड़का जो है, ये 10-10:30 बजे तक दर्शन खुले, जब बंद हुए उसके बाद ही अपने कमरे पर आ गया, अपनी सेवा पर भी महात्मा जी आएंगे तो मैं उनकी जो भी सेवा होगी करके तो मैं उसके बाद जैसा भी होता विश्राम करूंगा। तो महात्मा जी रात के लगभग 12:30 बजे आए। तो ये लड़के को उन्होंने कहा कि पानी ले आ, पानी भरला। तो नीचे से पानी का जो जगह है वो एक जगह पर बनी हुई है, तो वहां पानी भरने के लिए गया। पानी भरने के लिए इसके मन में जो तनाव था पिताजी के बारे में, तो पानी भरने के लिए नीचे गया। वहां से जो दर्शन हाल है जहां पर गुरुदेव बैठकर दर्शन देते हैं, वो दर्शन हाल की खिड़की दिखती है वहां से। तो नीचे पानी भर रहा तो खिड़की में देखता है कि लाइट जल रही है। खिड़की एक नहीं है, खिड़कियां बहुत सारी ऐसे लगी हुई है, बहुत सारा मतलब बड़ा हॉल है। तो वहां पे एक साथ मतलब 50-60 हजार लोग एक साथ बैठ सकते हैं, इतनी बड़ी कैपेसिटी का है। तो खिड़कियों में लाइट जल रही है, अब रात के 12:30 बजे लाइट जल रही है, थोड़ी को हजम नहीं हुई बात। ये इसने कहा कि 10:30 बजे जब गुरुदेव के दर्शन फिनिश हो गए थे तो उस समय सारी लाइटें वाइटें बंद हुई थी, अभी तक तो लाइटें बंद थी, 12:30 बजे अब कौन से दर्शन खुल रहे हैं कि भाई लाइटें जल रही हैं और सारी लाइटें जल रही हैं। तो इसको बड़ी हैरानी हुई। अब देखा इसने कहा देखो सिर्फ है क्या, अंदर हो क्या रहा है। तो इसने पानी का वो रखा और देखने के लिए अंदर झांक रहा है, तो अंदर देख रहा है कि अंदर दर्शन खुले हुए हैं। तो बड़ा नजारा, गुरुदेव विराजमान है, सेवा हो रही है सब लोग। लेकिन इसको एक बात देख के बड़ी हैरानी हुई, कहते हैं यहाँ पर एक भी बंदा जाना पहचाना क्यों नहीं लग रहा, मैं यहाँ पर 15-20 दिन से रुका हूं और यहाँ एक भी बंदा मेरी जान पहचान का नहीं लग रहा, मैं यहाँ पे कितने सारे लोगों को जानता हूँ बट यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं लग रहा जिसको मैं देख रहा। अभी ये जो बैठे हैं ये भी कोई और है, ये भी आज तक मैंने इनका चेहरा नहीं देखा, इनका भी चेहरा नहीं देखा। आगे जैसे गुरुदेव विराजमान होते हैं तो सामने पहले महात्मा जन होते हैं, जेंट्स जो संत होते हैं, और भाई जी होते हैं जो लेडीज संत होते हैं, उनके पीछे बाकी सब लोग बैठे होते हैं। तो पीछे जो लोग बैठे हुए थे वहां इसकी नजर पड़ी तो देखा इसके पिताजी वहां बैठे हुए हैं, इसके पिताजी वहां बैठे हुए हैं। उसके मन को बड़ी हैरानी, पिताजी यहां कैसे? फिर उसके मन को स्ट्राइक किया, पिताजी तो चले जा चुके हैं और वो अगर यहां बैठे हैं इसका मतलब ये सब भी वो लोग हैं जो जा चुके हैं। इसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम, देख के डर के मारे भागा वहां से। इसका मतलब सब वो लोग हैं जो मर चुके हैं और गुरुदेव इनके लिए भी दर्शन खोल रहे हैं रात को। ऐसा कुछ खेल गुरुदेव ने उन्हें दिखाया कि वो उनके लिए दर्शन खोले। इसकी तो हालत इतनी खराब, जस्ट फ्रेंड भागा वहां से सीधा हाफता हुआ, महात्मा जी वहां पे ऐसे दर्शन खुले हुए हैं। कहां दर्शन खुले हुए हैं? अब महात्मा जी वो हैं जो गुरुदेव की पर्सनल सेवा में होते हैं, जो पर्सन से। उन्होंने कहा कि गुरुदेव तो अभी विश्राम कर रहे हैं, मैं अभी उनको मतलब विश्राम करवा के हम उनकी चरण सेवा करके तब आए हैं नीचे, तो आप कह रहे हो कि दर्शन खुले हुए हैं। फिर उसने कहा कि ऐसे ऐसे मैंने ये नजारा देखा, तो उन्होंने कहा कि ये गुरुदेव ने तुझे दिखाने के लिए जो टेंशन ले रहा था ना अपने पिताजी की, ये तुझे वो दिखाने के लिए गुरुदेव ने सारा खेल रचा है कि तुमने जो मन में सोचा हुआ था कि मेरे पिताजी इस समय कहाँ होंगे, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है वो कहाँ होंगे, तो गुरुदेव तुझे ये दिखा रहे हैं कि वो हमारे चरणों में बैठे हैं और रोज हमारे दर्शन कर रहे हैं। तो निश्चिंत रह, तो अपनी सेवा में लगा रह, जो तुझे काम दिया है, जो तुझे सेवा दिया है तू वो कर, बाकी तुम्हारे जीने की और मरने की टेंशन हम लेकर बैठे हैं ना, तो काय को चिंता करते हो इस बात को लेकर, तुम वो करो जो तुम्हें कहा है।
बाकी जो होगा वो कल्याणकारी होगा। मरने के बाद भी अगर 3 महीने नामदान लिए हुए हैं, उनका भी कल्याण ऐसे हो गया है, उनके लिए भी गुरुदेव ने दर्शन खोले हुए हैं, जब उनके लिए चिंतित हैं तो फिर तुम्हारे लिए चिंतित नहीं होंगे? जो तुम लगातार दिन रात सेवा करते हो, नामदान नाम जाप करते हो, तो तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे? तो हमारे साथ हैं गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, न मरने की, न जीने की, न खाने की, न पीने की, न शरीर की चिंता और न मरने की चिंता। मर भी गए तो भी क्या, गुरु महाराज जी संभालने के लिए बैठे हैं, तो तनाव किस बात का है? तो निश्चिंत रहे, आनंद लीजिए, पलटू भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए। बस इतना ही तनाव मन में बना रहे। अगर चिंता करनी है तो फिर लिखते हैं कि चिंता तो सतनाम की और न चितवै दास। अगर चिंता करनी है तो सतनाम की चिंता कर, कि नाम का जाप कर। चिंता तो सतनाम की और न चितवै दास, जो कछु चितवै नाम बिन सब है काल की फांस। चिंता अगर करनी है तो सतनाम की चिंता कर, परमात्मा के नाम जपने की चिंता कर, और न चितवे दास, जो कछु चितवे नाम बिन सब है काल की फांस। नाम के बिना जो भी चिंता करेगा सब एक दिन काल की फांस बन जाएगी। इसलिए शुक्र मनाए परमात्मा का कि ऐसे सदगुरु मिले हैं जिन्होंने यहां भी और वहां भी हाथ थामा हुआ है, पीछे नहीं हटे कभी भी, ना कभी हुए हैं ना कभी होंगे, हमेशा मरने जीने में साथ हैं, यहां भी और वहां भी, इस लोक में भी उस लोक में भी। हुक्म चलता है उनका, यमराज को भी आदेश दे दें तो वो भी हाथ बांध कर खड़ा हो जाते हैं, तो इससे ज्यादा क्या कहें। तो निश्चिंत रहें, जिनके साथ सतगुरु हैं उनका जीवन यहां भी सही दिशा में जाने की कोशिश रहे, कि मैं अपना प्रयास में कमी ना आए, मैं अपना एफर्ट बेस्ट दूं, बाकी सब भरोसा अपने प्रभु का, निश्चिंत होकर जीवन बिताएं, आनंद में जिए। तो चेहरे के ऊपर ये जो 12 बजे रहते हैं ना, कुछ लोगों के चेहरे पर इतना तनाव दिखता है, ऐसा लगता है कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो थोड़ा सा मुस्कुराएं, जिसके सिर पर इतने समर्थ साईं का हाथ हो फिर वो इतने टेंशन लेने की क्या जरूरत है। थोड़ा चेहरे पर एक मुस्कुराहट आने दें, हंसी आने दें कि भाई मेरा बाप है, बैठा हुआ है, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, कोई आएगी तो देख लेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो परेशानी क्या है, बैठे हुए हैं ना। तो निश्चिंत रहे, गुरु महाराज जी हमारे साथ यहां भी वहां भी हर समय। आनंद में जीना, आनंद में मरना, और इसीलिए तो इसी आनंद के कारण ही तो भरोसा है, इसीलिए तो हम दोबारा आने की बात करते हैं। टेंशन ही नहीं है, काहे की टेंशन है, अरे क्या होगा, अगली बार भी जब आएंगे तो और सेवा कर लेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। तनाव उसको हो ना जिसको ये पता हो कि भाई आने से कोई मुश्किल पड़ जाएगी यहां पर, जिसको अपने ऊपर बोझ हो। जब हमें पता है कि मुश्किल से मुश्किल गड्ढे से भी गुरु महाराज जी निकाल लेना जानते हैं, तो क्या होगा, ये भरोसा है ना। काफी सब पर बनी रहे, इस भरोसा विश्वास बना रहे।